हेलो गाइस, तो मैं जाने वाली हूँ मेरे भाई से मिलने के लिए, जो कि है गोवा में। तो उसके लिए यहाँ पे हमने बहुत सारा, मैंने पूरा सूटकेस भर के सामान लेके जा रही हूँ। तो देखते हैं मुंबई टू गोवा का सफर। अब मैं जाता है जा रही हूँ मैं अब जा रही हूँ नहीं, शादी करके जा रही हूँ। अब जा रही है काम करने के लिए। काम करने के लिए जाता है, काम करने को जा रही हो। कब हुआ कब? चलो बाय। मैं किधर से बोल रहा? जा रही है मैं। हाँ जा रही है। वो भी बका हो जाता है किधर? वो काम करने के लिए जा रही है दिल्ली कंपनी में जाते। हाँ गाँव के तो अभी नहीं, गाँव में अभी जाता है ना। अब मैं जा रहा है बाय। बम्बई में ना? बम्बई में नहीं, यही से बोलता भी नहीं। पैसा दिन थोड़ा बहुत पैसा दो। अब मैं जाता है। नहीं अभी किसी से बोलो ना। पैसा दो। मैं जाता है अभी। नहीं नहीं अभी। अब मैं जाता है। किसी से बोलो ना। अब मैं भाग रहा है, कपड़ा लेके भाग रहा है। अभी जाएगा, आके आएगा। अभी लड़का देखने के लिए जा रहा है। कब आएगा? नहीं आएगा। कब आएगा? नहीं सुनो। अभी नहीं आएगा। मैं तुम नहीं आएगा? हाँ वो आएगा। हाँ तो जाओ। नहीं बाहर चलो। ये आंटी को ना बहुत ज्यादा टेंशन होती है हमारी। मम्मी मुझे स्टेशन तक छोड़ने के लिए आए थे, फिर मैंने फटाफट से ट्रेन पकड़ ली। ये रहा ट्रेन का व्यू। आगे चलकर बहुत ज्यादा भीड़ होगी, बोरी बोरी आ चुकी है, अंधेरी मुझे उतरना है। ज़्यादा ही जल्दी स्टेशन पे पहुंच गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं पे बैठ के थोड़ी देर टाइम पास कर लेती हूँ। फिर यहाँ से एक ट्रेन गई, उसे मैंने देखा। ये कॉबलर वाले अंकल भी पता नहीं कहाँ पे चले गए थे, इनकी सीट खाली थी। फिर मैंने सोचा कि मैं कितनी देर ही बैठूंगी, तो मैं यहाँ से निकल गई। भारी बैग को मैंने ऊपर से नीचे तक लाया। स्टेशन के बाहर आपको कुछ इस तरीके का नजारा दिखेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे हर चीजें है। अब ना मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं बस से जाऊं या तो मैं रिक्शे से जाऊं। पहले तो मैंने सोचा पैसे बचाने के लिए कि चलो बस से ही चले जाते, फिर मैंने सोचा कि इतने भारी बैग को कैसे लेके जाऊंगी, फिर मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया और मैं सीधे सीधे पैसों का टेंशन ना लेकर रिक्शे से चली गई। रिक्शा वाले अंकल कुछ ज्यादा ही बोलते, ये मुझे अपनी स्टोरी सुनाने लग गए थे कि कैसे आज उनके 2000 रुपए चोरी हो गए। फाइनली मैं बस स्टैंड में पहुंच चुकी हूँ, जहाँ से मुझे गोवा की बस मिलेगी। तो ये रहा मेरा बैग। अभी तो बज रहे हैं कुछ 4:00, अभी बस को आने के लिए बहुत ज्यादा टाइम है, क्योंकि मेरी बस है 5:30 की। मैंने टिफ़िन नहीं लाया था, तो मैंने जोमेटो से ऑर्डर कर लिया था बर्गर, तो ये मैं बस में खाऊंगी।
बस ऑफ मुंबई। पियेंगे कैसे? ऐसे तो स्ट्रॉस देते हैं। स्ट्रॉ बहुत ज़्यादा गल गई थी, बट फिर भी मैंने ट्राई किया, बट नहीं हो रहा था तो मैं ऐसे ही पी गई। फाइनली मेरी बस आ गई। ये बस बहुत ज़्यादा सुंदर थी, डॉल्फिन नाम है इसका, और आत्माराम ट्रैवल्स की तरफ से है ये। आप देख सकते हो कि बस अंदर से कितनी ज़्यादा सुंदर है। 25 मैं अपनी कैबिन की तरफ आ गई और मैंने अपना दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि प्राइवेसी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। छोटी सी डॉल्फिन, आई लाइक दैट। ये रहा एसी, छोटू सा एसी है, ये लाइट काम नहीं करता है, एंड यहाँ पे चार्जिंग के लिए सॉकेट दिया हुआ है। यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो, तो मैंने अपना जो बर्गर था उसे रख दिया है। यहाँ पे मुझे एक तकिया और एक कंबल भी दिया गया है। ये रही भी विंडो, आप देख सकते हो यहाँ पे छोटा सा एसी और एक दिया हुआ है पैरों की तरफ। खाना खा ही लिया जाए, तो फटाक से मैंने अपने पेप्सी निकाली। तो पहले मुझे रिसीव हुआ है ये पफ, एंड ये रहे फ्राइज। देन मैंने बर्गर को निकाला, साथ में तो केचप दिया ही नहीं इन लोगों ने, अब केचप के बिना कैसे खाया जाए बर्गर। फिर भी चलो हम एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि मजबूरी का नाम ही गांधी है। शाम होते होते इन लोगों ने विंडोज़ की लाइट भी चालू कर दी थी, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो रात के बज रहे 11, मैं सो गई थी, इन लोग ने अचानक से लाइट चालू कर दी और बोलने लगे कि नाश्ता करने के लिए उठ जाओ। तो देखते हैं क्या मिलता है, लेट्स सी। गोवा का वीडियो आपको दो पार्ट में मिलने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है वीडियो, इसलिए मैंने टू पार्ट बनाए हैं। तो सेकंड पार्ट भी देखना मत भूलिएगा, मैं डाल दूंगी। खाना खाकर और फ्रेश होकर मैं आ गई हूँ अपने मिनी बस रूम की तरफ। आगे का वीडियो आपको सेकंड पार्ट में मिल जाएगा। सो बाय। फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।